नमस्कार, मैं हूं शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। खबर गौतम बुद्ध नगर के जेवर से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे के नीचे किसानों ने किया भारत सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों ने कहा, सरकार हमारी कोई भी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसमें सरकार और किसानों के बीच लगातार वार्ता पर वार्ता हो रही है, लेकिन सरकार ने हमारे हित में कोई भी ऐसी बात नहीं की है जिससे हम सहमत हो सके। हालांकि कृषि कानून में कुछ बदलाव लाने की बात की है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आज 22 दिन हो चुके हैं हमारा आंदोलन को। हम देश के अन्नदाता हैं, देश के अन्नदाता के साथ भारत सरकार अन्याय कर रही है। जिस कानून से देश के ही किसान सहमत नहीं हैं, तो फिर यह कानून किसके लिए? इसलिए हम दिल्ली जाना चाहते हैं और अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं। मौके पर पहुंचे किसानों के बीच गौतम बुद्ध नगर के डिप्टी कमिश्नर विशाल पांडे पहुंचकर किसानों को समझाया और कहा कि हम भी किसान के बेटे हैं, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा कर रहेंगे, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जेवर से समीर खान की रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर खान, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। इस वक्त हम जेवर में मौजूद हैं, जहां पर किसानों का आंदोलन कृषि कानून को लेकर जो लगातार किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं। आज 22वें दिन से भी लगातार जारी हो गया है किसानों का आंदोलन होते, और मेरे साथ है उनसे जानेंगे आखिर यहाँ पर जो किसान लोग जो रुके हुए हैं उसे क्या प्रेरणा। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से किसान और सरकार के बीच में वार्ता हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार ने किसानों के इसमें कोई भी बात नहीं की? सरकारों से अभी तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, और वार्ता इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी समस्या का हल वार्ता के द्वारा निकलता है। भई या तो सरकार इन बिलों को वापस ले ले, कानून खारिज कर दे, और किसान के हित में जो सही मायने में किसान के हितों का ध्यान रखने वाले कानून है ऐसे नए कानून बना दे। इसमें क्या पता रही है, लेकिन सरकारों ने इसे नाक का सवाल बना लिया। सरकार कानूनों को खारिज करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है इनमें संशोधन कर देंगे, हमारा कहना है कि ये पूंजीपतियों के हितैषी कानून हैं। किसानों के बहाना भर के किसानों का नाम लेकर आप अब ज्यादा गुमराह नहीं कर सकते, तो सरकार इन्हें वापस ले। अभी यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के डिप्टी कमिश्नर आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, डिप्टी कमिश्नर साहब ने तो आज हक की अदा कर दिया। उन्होंने आके यहाँ एक पुत्र की हैसियत से एक पिता से निवेदन किया, और इमोशनली ब्लैकमेल भी उन्होंने कर दिया। बोले भाई, ऐसा है, आप हमेशा से एक नारा देते हो, जय जवान जय किसान। आप किसान हैं, हम जवान हैं, आपका पुत्र हूँ, आपके अहिंसावादी आंदोलन को देखकर इतना प्रेरित हूँ कि अब मैं भी अहिंसा से ही आपका मार्ग रोकने आया हूँ। अब जवान सड़कों पर लेटेगा आपके सामने। आप नारा देते हुए जय जवान जय किसान, आप हमारी छाती के ऊपर होकर निकल जाओ, ना हम आपको बल प्रयोग करेंगे, ना हम आपको रोक पाएंगे, केवल आपके सामने लेटेंगे। यदि एक पुत्र अपने पिता को ऐसा वास्ता दे दे, तो पिता का भी कहीं नैतिक धर्म बनता है, पिता को भी सोचना पड़ेगा। फिर हमने उनकी बात मानी, उनसे ये कहा कि भाई आप हमारी क्या मदद कर पाएंगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बात को सरकारों तक फिर और जोर शोर से मैं पहुंचाऊंगा। आप मेहरबानी करके इस कड़ाके की ठंड में जो 6 डिग्री टेम्परेचर से भी नीचे जा रहा है तापमान, ऐसा ना हो कि किसी वृद्ध को, किसी महिला को, किसी बच्चे को कहीं कोई बीमारी लगे, तो कहीं किसी की जान ना जानी चाहिए। इसलिए आप मेरी बात मान लो और यहीं रुक जाओ, दिल्ली ना जाओ। सरकार कह रही है कि किसानों को इस बिल से कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान ही है तो सरकार फिर सुन क्यों नहीं रही? नहीं, जब सरकार तो पता नहीं क्या क्या कह रही है। हम कह रहे हैं सरकार यदि नुकसान नहीं है, फायदे गिनवा रही है, तो सरकार हमसे खुली में बात कर ले, मीडिया के सामने बात कर ले, खुले मंच पे बात कर ले। भाई सरकार क्यों बंद कमरों में बैठ के बिलों की तारीफ कर रही है, कानूनों की तारीफ कर रही है? कानून हमेशा जनता की हिफाजत के लिए बनाया जाता है। जिस कानून को जनता स्वीकार नहीं कर रही है, ऐसे कानून का कोई औचित्य नहीं रहता। उस कानून को सरकारों को चाहिए कि उसे बिल्कुल सिरे से खत्म करें। हमारा संघर्ष किसानों के साथ है, किसानों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे
जब तक ये सरकार अपनी मनमानी नहीं छोड़ेगी, इन कानूनों को वापस नहीं लेगी। तो देखा आपने, जो किसान हैं उनकी यही सरकार से बस यही विश्वास है कि जब तक उनके ये जो तीन सरकार कानून लाई है उनको वापस नहीं लिया जाएगा और उनकी जो MSP रेट है उसको अधिक नहीं किया जाएगा, जो उनकी मांगे उनको पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक ये किसान लगातार धरना और अपना आंदोलन जारी रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे सरकार के सामने। मैं प्रेम खाद ब्रांच चंदपुर।